छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं को लेकर मचे बवाल के बीच भिलाई में एनकाउंटर ने प्रदेश की सियासत गरमा दी है। एक तरफ तो राज्य सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष ने प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर तंज कसा है। आखिर एनकाउंटर की घटना पर क्यों मचा है सियासी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और अपराध की घटनाओं को लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। बलौदाबाजार से लेकर कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर के बाद रायपुर में गोलीबारी को लेकर विपक्ष हमलावर है। इस बीच भिलाई में एक निगरानीशुदा बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। दुर्ग पुलिस ने भिलाई में जिस कुख्यात आरोपी अमित जोश का एनकाउंटर किया है, उसकी 4 महीने से तलाश थी। उसके खिलाफ कई गंभीर अपराध दर्ज थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस उसे पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पुलिस को देखते ही उसने फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने उस पर गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश बताया जा रहा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सरकार कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। एक एनकाउंटर करने से पुलिस को, सरकार को कौन सा बड़ी सफलता मिली है? आपको पता है 49 उनके खिलाफ में अपराध दर्ज था। क्या 49 अपराध दर्ज होने से पहले एनकाउंटर नहीं कर सकती थी क्या? सवाल नंबर एक। और 4 महीने से फरार, सरकार तो अपनी पाप धोने के लिए ये एनकाउंटर किए हैं, लेकिन फिर भी अपराधी अपराधी है, पुलिस को बधाई। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर सरकार जो है बख्शने वाली नहीं है। तो सरकार की मंशा कतई नहीं है कि एनकाउंटर कराए, लेकिन अपराधी जहां भी कानून को हाथ में लेकर कानून का गला दबाने का काम करेंगे, वहां सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। बहरहाल साय सरकार ने एनकाउंटर के जरिए जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है, तो वहीं पुलिस ने यह बताने की कोशिश भी की है कि वो हर तरह से सक्षम है। यही वजह है कि पुलिस के एक्शन को लेकर जहां सियासत तेज है, वहीं सोशल मीडिया पर सराहना भी हो रही है। गौरव शर्मा, INH24/7, रायपुर।